नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रेप और मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है। अभी तक इस मामले में जो सच सामने आया है उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता के शरीर की चोटें उसके साथ हुई हैवानियत की हदें बयां कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के साथ उस वक्त तक रेप किया गया जब वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। जब उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया तब उसके साथ रेप हुआ। उसके गुप्तांग में जिस तरह की चोटें पाई गई है उसे पेरीमॉर्टम कहा जाता है। इसका मतलब होता है जिंदगी और मौत के बीच की चोटें। इसका जिक्र ऑटोप्सी रिपोर्ट में किया गया है। अभी तक पुलिस जांच में भी कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन और उससे पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला कि आरोपी बहुत ही असामान्य तरीके से अश्लील वीडियो देखा करता था। ये वीडियो उसकी विकृत मानसिकता को बयां करते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी सुबह करीब 4 बजे चेस्ट मेडिसिन के सेमिनार रूम में पहुंचा था। उस वक्त जूनियर डॉक्टर कंबल ओढ़कर सो रही थी। उसका फायदा उठाकर आरोपी ने पहले उसके शरीर पर कई हमले किए, फिर कंबल हटाया। उसके बाद डॉक्टर ने विरोध किया तो उसने हमला कर दिया। पीड़िता के बाएं गाल पर चोट के निशान इसकी तस्दीक करते हैं। इसके गाल पर नाखून के खरोच भी मिले हैं। हमला करने के बाद आरोपी ने उसका गला पकड़ा, चेहरे, पेट और छाती पर कई मुक्के मारे। इससे पीड़िता बेहोश हो गई और आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी 3 याचिकाओं पर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सोमवार को 3 जनहित याचिकाएं दायर की गई। इसमें रेप और हत्या की जाँच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई।